मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। राज ठाकरे अयोध्या जाने वाले हैं 5 जून को, मगर ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत बनकर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह खड़े हो गए। दरअसल अब मनसे नेता की एक बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी वालों को धमकाते हुए इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुना जा सकता है। बृजभूषण सिंह ने दरअसल कहा था कि अयोध्या में राज ठाकरे को तभी कदम रखने देंगे जब वो उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांगेंगे। और ऐसे में अब मनसे नेता की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें धमकाते हुए साफ सुना जा सकता है। आप खुद सुने ये पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग। नमस्ते, मैं कृष्णा वीर गुजर बोल रहा हूँ, आपका भाई। बोलिए बोलिए। नमस्ते। मैं अभी आपके लिए, मैंने अपने राजेंद्र ठाकरे जी के लिए मैंने बात की, योगी जी के उसके पीएसी, तो मैंने बात की थी हमारे राजेंद्र ठाकरे जी को खुलेआम धमकी दे रहा है ये सारण भूषण, तो बोला कि हम कल तक इनके बारे में फुल कार्रवाई लगाएंगे इनके ऊपर, और ये राजेंद्र ठाकरे जी को हाथ नहीं लगा पाएगा। अभी, क्या हाथ लगाएंगे वो? अभी मैंने इधर हमको साहब ने बोला है बोलने के नहीं मैंने अभी मैं लगेज तेले में फोन करूं टाकला है, लगेज में भी विचारूं टाकले में साहिबान लगेज तेने योगी साहिब अजय चीफ मिनिस्टर साहिब सोबत रहतो त्यांचे मी बोलले के बहु आस आमचे साहिबान धमकी देतो अयोध्या येणार नाही बोले अयोध्या नाही आने का बोले ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि ये ऐसा बात कर रहा, गलत बात रख सकते, क्यों नहीं रखेगा उनके के उनके बाप की थोड़ी अयोध्या। मैंने उसको बोला ना, तो ना वो फोन नहीं उठा रहा, बाकी उनको बोलता है तेरा बाप की औकात देगी तू अयोध्या नहीं आने देगा हमारे को। कौन है तू? हमारे मराठे भाइयों को तुम लोग रोकोगे? जब तुम्हारी औकात ऐसी थी तब तुम लोग जब बम्बई में आते थे, बम्बई में बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी करते थे और उनके साथ में बर्ताव करते थे, और सरेआम किसी को ट्रेन में चढ़ते तो गाली गलौज दिया जाते थे। ऐसे मेरे को न्यूज पर लेकर आओ, मैं बताता हूँ उनको सारण। अरे वो क्या बात करेगा, अभी अगर राज साहब ने मुझे बोला नहीं होता ना कुछ बोलने का नहीं जी, तो उसको मैं बोलता फिर। नहीं ना, अगर तू मेरे तो को बोल रहा ना कि हम अयोध्या आएंगे जी, मैं तो राज साहब का बाल विवाह का हो गए ना जी, तो जितने भी यूपी में आ रहे उसको क्या हो जाएगा इधर मालूम नहीं उसको। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आगे तैयार रहूंगा राज साहब के लिए, मैं बिल्कुल आगे तैयार रहूंगा। ऐसे बड़वे को मैं 5 जून के दिन मैं खुद बताऊंगा उनको कि तेरी अयोध्या में कितनी पहचान है और हम लोगों की कितनी पहचान है तेरे को बताएंगे। हम योगी जी के साथ में खड़े हैं और तुम कह रहा है कि तू बीजेपी कार्यकर्ता होकर तू ही हिंदू के साथ में बर्ताव कर रहा है और तू कह रहा है कि अयोध्या में पैर नहीं लगे। जब तेरे इतने भी तेरे आदमी लोग ये कर रहे थे मारामारी क्यों करते थे? तुम्हारी आदत ही खराब है ना, तुम लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले तुम गाली गलौज देते थे। मेरे सामने खुद हो गई ना मालिक, मैं 3-4 बार इन लोगों को देखा हूँ, 3-4 बार ये लोग भड़वेगिरी ये ऑलरेडी करते हैं, और मैं इनकी बात नहीं करता हूँ, ये फोन करके भी गाली धमकी देते हैं। अरे उसको मतलब चल गया कि मैं अभी क्या क्या बोलने वाला हूँ, लेकिन मुझे साहब ने रोका था किसी को कुछ भी बोलने का नहीं। हाँ, मैं तो उसको उसकी भाषा में उत्तर देता मैं। नहीं, मैं कसम से, मैं आपकी जैसे अगर वो टीवी पे ऊपर होता तो मैं इसको बोलता तेरी औकात क्या है भाई, तू किसको धमकी दे रहा? ये तू है ना, ये टीवी ये सब चिल्लर विलर रख दिया हमने, तू मेरे को क्या बोला? हमारे साहब को क्या बोला है कि तुम्हारे लिए राज साहब हो गए, हमारे लिए क्या तू मतलब तू कहना क्या चाहता है? तो हमारे राज साहब कभी कभी धमकी दे रहा है, मैं उनकी धमकी से नहीं डरने वाला हूँ बहू। मैं क्या बोलता वसंत बहू, मी त्यांचे धमकी से मैं डरतो नहीं, मी बाला साहेब तो कून माणूस है, मी त्यांची वाट लावू शकता। आता मी योगी साहेबाने मी ते पी आहे त्यांची योगी, मैं त्याला फोन करून टाकलाय, मी की साहेब हमारे आदमी को हमारे साहेब को वो क्या कह रहा है कि 5 जून को अयोध्या नहीं आने देंगे। कौन है इनकी हिम्मत, कौन है वो? मतलब आपके उत्तर प्रदेश के लोग अगर बम्बई में आके काम करेगा, बम्बई में आकर बम्बई लोगों को धमकी देंगे, हम उत्तर प्रदेश में आके आपको धमकी देंगे, कैसा लगेगा? मैं वही बोला ना उनको, तो बोला ठीक है सर, मैं आप पता करके आपको कल तक बताएंगे। नहीं क्या बताने की बात नहीं, उनको बोल दो बृजभूषण तेरे ख्याल में रहे और तेरी औकात में रहे, बिल्कुल सहन नहीं करूंगा मैं बिल्कुल। मेरे को बोल रहा जी योगी जी का कुछ संबंध नहीं, ये मेरा वैयक्तिक मामला है, मैं खुद इनको हानि नहीं दूंगा। ये मैंने ये उनको ये अभी भी बता रहा हूँ कि योगी जी का समर्थक मतलब